इंसान सबका बाहर कपड़े का मास्क पहने, सबसे पहले गुजारिश कुछ बात करने से पहले प्लीज़ मास्क पहन कर याद कीजिए। पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने टीचर है, वहाँ पर मौजूद जो भी लोग हैं इंतजाज कर रहे हैं, ये टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, जिनका होता इंतजाज है, मुतालबा है कि जो हमारे स्कूल हैं वो खोले जाए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, लहर बहुत चली है, गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए हैं, मगर लोग चाहते हैं कि स्कूल खोले जाए। SOPs के सहारे जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, SOPs पर हम लोग कितना अमल दरामद करते हैं, हमारे बच्चे कितना अमल दरामद करते हैं हमारे सामने है। यकीनन इनका नुकसान हो रहा है, मगर ये मुतालबा करना, हमको अगर इम्पोज करना कि स्कूल खोले जाएँ, ये यकीनन एक तरह से जायज़ नहीं है। दूसरी बात हम ये बनाएंगे, शफकत महमूद साहब से मुतालबात कर रहे हैं, साथ ही लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, मास्क पहने हैं नहीं पहना, मगर मैं दिखा सकूँ स्टेज पर, स्टेज पर यकीन एक और दो बंदों ने जस्ट पहना हुआ और ये वबा का दौर है। साथ ही अब ये लोग जो मुजाहरा कर रहे हैं, जांच करने का ये कहना है कि आप स्कूल बंद करो, आप बच्चे जो हैं वो कैंसिल एग्जाम कर रहे हैं, बोलो ये कह रहे हैं स्कूल बंद करो, हम स्कूल में एग्जाम नहीं देना चाहते, मतलब बच्चे एहतजाज कर रहे हैं स्कूल ना खोलो, हम स्कूल नहीं जाना चाहते, कोरोना वायरस का दौर है वबा, और जो टीचर्स हैं ये मुतालबा कर रहे हैं कि स्कूल खोलो, जिनका यकीनन माशी नुकसान हो रहे हैं, हुकूमत को इस पर बात करने की ज़रूरत है, इनको भी ये लेगिसेशन करें हुकूमत से, फीसिस के मामले पर फीसिस ये लोग ले रहे हैं, फीस पर ये बात करें। मैं नेगेटिव पॉजिटिव से अगर हट कर जनरल बात करूँ तो इस वबा के दौर में स्कूल खोलना ये कहकर के SOPs पर अमल दरामद होगा, SOPs पर हम लोग खुद अमल दरामद नहीं करते, हम तो यकीनन जो लोग आप देख रहे हैं अब अपनी ज़ात से अगर पूछें तो आप किस हद तक SOPs पर अमल दरामद करते हैं, और बच्चे फिर एहतजाज करें ओ लेवल जिले के एग्जाम से वो। अब ये फैसला हुआ है कि 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल है जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं कोरोना के वो बंद रहेंगे, बाकी खुलेंगे, और जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्कूल हैं, जो क्लासेज हैं वो 11 से 12। तो ये अब हालात हैं, इस वक्त एहतजाज हो रहा है। जी जैसा कि आपको बताया एहतजाज जारी है कोविड की सिचुएशन में, अब इनके जो मुतालबात हैं उस पर अगर हम बात करें तो फीसिस ये लोग पूरी देखते हैं टीचर्स, बट जो टीचर्स हैं जो प्रिंसिपल जो हैं वो फीसिस पूरी लेते हैं, बट जो टीचर्स उनको सैलरी नहीं मिलती, वो सैलरी चले यहाँ पर। फिर अभी जब मैं यहाँ पर गुजरा तो कुछ बच्चे हैं वो शब्द बना रहे हैं, बिकॉज बच्चे तो खुश हैं यहाँ पर, कुछ लगता है वजह कि स्कूल खोले कोविड से। अभी जो सूरत हाल है, मैं चूँकि हरिपुर से बिलोंग करता हूँ तो हरिपुर में कोविड केसेस हैं, बट स्कूल खोले हैं जहाँ पर केसेस नहीं है, और SOPs मेंटेन्स इस तरह से है कि 50% अटेंडेंस होते हैं, कुछ अटेंडेंस होती है, मगर लास्ट सबसे ये कहना है कि हुकूमत इनको कुछ फाइनेंशियल दे ताकि एहतजाज भी हो रहे हैं SOPs। मैंने जो तस्वीर शेयर की थी जो आपने हमारे थंबनेल पर भी देखी थी, दे आर सेइंग कि SOPs के साथ स्कूल खोला जाए, खुद कितना SOPs पर अमल दरामद है, आपने स्टेज की सूरत हाल देखी, किसी ने मास्क नहीं पहना, लोगों से मैंने बात की थी तभी कोई चल क्योंकि किसी ने मास्क नहीं पहना, जो मेरे साथ दोस्त हैं उनको बिकॉज नो मन इज वेयरिंग मास्क, नो मन इज हैविंग सैनिटाइजर, हाउ कैन आई डू एन आस्किंग आई नीड अ रिव्यू, हाउ कैन आई, सो वी हैव टू रिस्पॉन्सिबल, दैट्स व्हाई वी किल दिस कोरोना। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस।